आमी नदी में उतराता मिला युवक का शव सोहगौरा बंधे के पास झाड़ियों में फंसी थी लाश। गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा चौकी अंतर्गत आमी नदी से उतराता हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर गगहा पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर में सोहगौरा और साढ़े गांव के बीच बंधे से सटे आमी में एक उतराती हुई लाश आकर झाड़ियों में फंस गई। उधर से गुजरने वालों ने देखा तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर सोहगौरा चौकी के लोग पहुंचकर स्थानीय नाविकों की सहायता से शव को बाहर निकाला एवं गगहा थाने पर सूचना दिया। गगहा थाना अध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर युवक के शव का शिनाख्त करवाने का प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। विद्यालय आते जाते कक्षा 8 की छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप मानेदी थाने में तहरीर। गगहा क्षेत्र के ग्राम सभा में कक्षा 8 की छात्रा की माता ने थाने में तहरीर दी है कि मेरी लड़की ने बताया कि सकरी निवासी हमें बराबर विद्यालय आते जाते आए दिन परेशान करता है और छेड़छाड़ करता है। इस संबंध में थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। नूह में अब तक 37 इमारतों पर चला बुलडोजर। एसपी बोले जिन मकानों से फेंके गए पत्थर उन पर होगा एक्शन। भरतपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। दिल्ली में हत्या, भरतपुर में दफन की लाश, कातिल पत्नी की खौफनाक साजिश। हाई मास्ट खराब होने से चौराहे पर रहता है अंधेरा। लगभग एक साल से खराब पड़े हैं हाई मास्ट। रात्रि में अराजक तत्व उठाते हैं अंधेरे का फायदा। मणिपुर में बीरेन्द्र सरकार को झटका। एनडीए के सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत सरकार की टीम ने डोहरिया में किया स्थलीय निरीक्षण। विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत डोहरिया में भारत सरकार की टीम रमेश चौबे जी ने कई कंपोनेंट की स्थलीय स्थिति देखी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की सब्सिडी युक्त पुस्तक का वितरण हुआ। कबीर फाउंडेशन के सहयोग से पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हुआ। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत शपथ ग्रहण व व्याख्यान का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत व्याख्यान तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साजनवा संपूर्ण समाधान दिवस से पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने किया। साथ में उप जिलाधिकारी कुंवर सचिन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 90 मामले आए, जिसमें 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। राजस्व 55, पुलिस 18, विकास 5, समाज कल्याण 2, शिक्षा 2, अन्य 8 मामले आए हुए थे। पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, पुलिस ने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। गगहा क्षेत्र के घेवरपार में रात संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय महिला नेहा पत्नी तरुण की मौत हो गई। स्वजनों के मुताबिक मृतका का पति तरुण देर रात को दावत से घर लौट कर आया। इसी दौरान पत्नी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बाद में तरुण छत पर सोने चला गया। इसी दौरान पत्नी नेहा घर में पंखे में साड़ी का फंदा लगा कर लटक गई। 2 बजे रात में जब तरुण जगा तो कमरे में गया, हैरान रह गया। मृतका का पति घटना की सूचना ग्राम प्रधान सहित पुलिस को दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी अरविंद सिंह का कहना है कि पीएम के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस जांच में लग गई है। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं।
फुलवरिया माइधिया मार्ग की क्षतिग्रस्त होने से राहगीर परेशान। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के फुटाहवा फुलवरिया मोड़ को माइधिया नई बाजार से जोड़ने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि यह कह पाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। इस सड़क पर अक्सर दुर्घटना होती रहती है। महीने से थाने का लड़ा रहा है, जब तक नहीं हुई सुनवाई। बीटी कोरिया निवासी थजनी थाने का 1 महीने से चक्कर लगा रहा है, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर ऑर्डर कराया, जनता दर्शन में भी गई, परंतु सुनवाई नहीं हो सकी। शाम को आएंगे जो है थाना अध्यक्ष, उसका मुआयना करेंगे। और इससे पहले कहीं और गए थे कि यहीं पे आए? नहीं, मैं कप्तान के यहाँ गया था। ये लड़की गई थी, जनता दर्शन में भी हम लोग गए थे, फिर यहाँ थाना चौकी हर जगह हम लोग आके चले गए, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग का नहीं होता है। बुलाते हैं थाने में 4-4 घंटा तक बैठवाएंगे, और उसके बाद से बोल देंगे कि कल आइएगा परसों आइएगा, ऐसे करते रहते हैं। आज हम लोग महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। कहाँ से आती हैं? बीटी खोरिया से, चौकी महुआ डाबर। चौकी महुआ डाबर है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई? चौकी पे गए थी? चौकी पर जो है कई बार।